हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन प्यारे बच्चों चल रही है मोशन इन वन डायमेंशन कह लीजिए या मोशन एल अ लाइन की क्लास और कल हमने सारे ग्राफ कवर कर लिए थे कर लिए थे ना जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कल हमने सारा का सारा देख लिया था इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना ग्राफ में आज हम देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो आज का टॉपिक ओपन कर लीजिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हेडिंग बना लीजिए आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है ना अगर मतलब कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तो उसके लिए इक्वेशन कैसी बनेगी तो बच्चों कुछ नोटेशंस हैं उनको लेकर के हमें यहां पर शुरुआत करनी है ओके जिसमें है यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा यू इनिशियल वेलोसिटी आइए देखते हैं तो मेरे पास यहां पर एक टिपिकल ग्राफ है यहां पर मान लीजिए टाइम टी पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी ओके बेटा टाइम सॉरी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर टाइम इक्वल टू जीरो पर मतलब बॉडी जो है ऑलरेडी मोशन से स्टार्ट कर रही है समय जीरो था बॉडी की स्पीड कितनी है वेलोसिटी कितनी है यू कितनी है यू ओके एंड अब आफ्टर ट्रेवलिंग टाइम टी देखो यहां पर मान लो कुछ टाइम टी ट्रेवल हो गया तो ये टी इक्वल टू जीरो था तो ये क्या होगा टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी अब वैसे बेटे हम लोग जानते हैं यहां तक का गैप होता है डेल्टा टी नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टी टू माइनस टीवन टी टू की जगह टी खेल रहा है और टीवन की जगह कौन खेला है जीरो so, टाइम का गैप कितना आ गया आ गया तो यह है इनिशियल वेलोसिटी और बेटा ये है और वेलोसिटी फाइनल v क्या हो गई फाइनल यू है और फाइनल क्या है वी क्लियर हो गया क्लियर की नॉट क्लियर चलिए ठीक है तो इस तरीके से बॉडी है इफ अ बॉडी स्टार्ट वेलोसिटी यू एंड आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी चेंजेस इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v और देखिए यहां पर बेटा ये वीटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जा रहा है सो ये कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो बेटा अगर ये सिचुएशन है तो आपके सामने तीन इक्वेशन निकल करके आती हैं और इन इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ये इक्वेशन क्या है पहली इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी दूसरी इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ओके बेटा तो ये तीन इक्वेशन निकल करके आती हैं और एक और इक्वेशन जिसको फोर्थ इक्वेशन भी बोला जाता है वो है एस एंथ क्या है एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू टी माइनस वन या टू एन माइनस वन टू एन माइनस वन ठीक है ना ये फॉर्मूला होता है ये चार इक्वेशन आज हमको पढ़नी है इन चारों इक्वेशन को हम डेवलप करेंगे कैलकुलस मेथड से किस मेथड से कैलकुलस मेथड से इसके पहले आप क्लास नाइन्थ में इनको एनालिटिकली मतलब बिना किसी ग्राफ के और ग्राफिकली मतलब विद हेल्प ऑफ ग्राफ आप डेवलप कर चुके हैं बट क्लास इलेवेंथ में आपसे पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड ठीक है तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को डिराइव करना ठीक है बेटा फर्स्ट को हम डिराइव करेंगे देखते हैं कैसे इक्वेशन फर्स्ट डिराइव होगी एनी <laughs> प्रॉब्लम चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन ये मैं रफ कर देता हूं और मैं फर्स्ट इक्वेशन को डराइव करता हूं कहां से होगी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन है फर्स्ट इक्वेशन में वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यू नो एक्सेलेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलिए ऐसा नो एक्सलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा डी वी बाई डी टी पक्की बात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा डी वी बाई डी टी है ना अब आप कहोगे सर एक्सलेशन तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी होता है क्योंकि आपने बताया था कि एवरेज एक्सेलेशन इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी अरे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है अब यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में चाहे एवरेज निकालो तो भी सेम आएगा इंस्टेंटेनियस निकालो तो भी सेम आएगा कहीं का भी निकालो सेम आएगा बोलो हां जब शुरू से अंत तक आपका एक्सलेशन सेम था तो मैटर आप किस फॉर्मूले से निकाल रहे हो एक्सलेशन क्या आएगा सेम आएगा बोलो सो क्लियर so, हुआ ये क्लियर हो गया ना ये ओके सो अब इस कंसेप्ट का मैं यूज करता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा ए के साथ डी टी को ले जाओ ए के साथ किसको ले जाओ डी को और यहां डी को अकेला छोड़ दो डीवी को क्या कर छोड़ दिया अपने अकेले इसको पलट करके लिख लो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी यहां पर वेरिएबल कौन है, v है. मतलब जो बदल रही है. यह क्या कर रही है? और यहां पर कौन है वेरिएबल टी मतलब टाइम बदल रहा है चलिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो यहां इंटीग्रेट करते हैं यहां इंटीग्रेट करते हैं कभी भी इंटीग्रेशन लगाएंगे विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन होगा जहां से जहां तक आपकी वेलॉसिटी चेंज हो रही है तो बताइए वेलॉसिटी कहां से चेंज हो रही है यू से लेके v तक तो मैं यहां लिखूंगा डी वी चेंज हो रहा है यू से लेके कितना v तक और टाइम कितना चेंज हो रहा है जीरो से लेके t तक ये हो गया ए डी टी अब बेटा आपको याद होगा मैंने बताया था dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x तो यहां पर डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा v और लिमिट चलेगी u से लेके v और यहां पर a कॉन्स्टेंट है कि नहीं है और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा T, और लिमिट चलेगी जीरो से लेकर अपर लिमिट हो गया लोअर लोअर लिमिट 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 कितना कितना हो गया U, A, यहां पर अपर और सो so कर नोट करिए तो ये फॉर्मूला है, है हमारा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन डन क्लियर है ना नोट करिए चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुका है हमारे पास हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व करना है यस और नो तो डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए हमको वेलोसिटी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी तो आइए वेलोसिटी को पकड़ करके लाते हैं ये तो सचरों चर, सब कुछ हो गया ये सुरक्षित रखेंगे भी हो सकता है आगे कहीं पर काम में आए अच्छी बात है आइए वेलोसिटी को लेकर के आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है देखिए यहां पर इसको लिख लो डीएस इक्वल टू वी डी टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया बोलो? वी डी टी, टी।, टी क्लियर हुआ इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ डीएस डीएस मतलब चेंज इन डिसप्लेसमेंट डीएस मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अब भैया बॉडी अगर चली है तो कहीं ना कहीं बोलो कुछ प्रॉब्लम है क्या हाँ डी एस इक्वल टू वी डी टी इधर कर दिया इसको है ना कोई दिक्कत आ रही क्या हाँ भई डीएस का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है अब देखो आ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं बेटा यहां पे एक्स जीरो से लेके एक्स तक बोलो यस और नो एक्स जीरो से लेके एक्स तक या एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल यार कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है बताओ एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट रहा होगा इज इक्वल टू वी डी टी वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके यू प्लस यस और नो तो वेलोसिटी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यू प्लस ए टी और आपको पता है ये हो गया वी डी टी है ये क्या है टाइम में टाइम जो वेरी हो रहा है कहां से कहां तक वेरी हो रहा है जीरो से लेके टी तक वेरी हो रहा ना ये वेरिएबल यहां पे टी है ना और टाइम का वेरिएशन देखो जीरो से लेके कहां तक टी तक क्लियर की नॉट क्लियर पक्का चलो ठीक है अब इसको देखते हैं तो डी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए एस और यहां पर लिमिट लग जाएगी एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल ये सो नो और आपको मैंने बताया था कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल भी डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स को ही हम क्या बोलते हैं एस क्या बोलते हैं एस मगर भैया लिमिट लगाना तो जरूरी था ना क्योंकि स्टार्टिंग और एंड कहीं तो हुआ होगा ना मतलब अल्टीमेटली ये सॉल्व होके क्या बनने वाला है एस ही बनने वाला है क्या बनने वाला है एस ये सोनो हाँ तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व के मैं एस बना दूंगा चलो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं हां तो ये टूट जाएगा यू डी टी जीरो से लेके कितना टी प्लस ए डी टी है ना ए टी डी टी सॉरी ए टी डी टी जीरो से लेके कितना टी बेटा -X X -X है कि नहीं है क्योंकि यहां पर वेरिएबल कौन है टाइम है तो यहां पर यू तो कॉन्स्टेंट है तो यू कॉन्स्टेंट है टाइम का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा टी और लिमिट लगेगी बोलो कितना जीरो से लेके हाँ, है। अब बताओ टी डी टी मतलब टी की पावर वन तो मैंने बताया था एक्स डी एक्स होता है कितना एक्स स्क्वायर बाई टू नो। तो टी डी टी कितना टी स्क् तो यहां पे हो गया टी स्क्वायर और टू आ गया कॉन्स्टेंट बाहर और लिमिट लगानी पड़ेगी जीरो से लेके कितना टी यस और नो चलो x फाइनल माइनस x इनिशियल आप जानते हो फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हाँ तो चेंज इन पोजिशन को मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिख दूँ s बोलते हैं कि नहीं बोलते हाँ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा बोलो यू टी प्लस वन अपॉइंट टू को साइड में कर लूं हाँ, और ये क्या बन जाएगा ए टी स्क्वायर हुआ प्रूफ की नहीं हुआ चलो तो ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डन नोट कर लीजिए ओके गाइस तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के बाद हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ की तरफ कि आइए देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैसे होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे लिखते हैं, S, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं और यहां पर आपको एक्सेलरेशन को भी लाना है मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड वाली सिचुएशन बन गई है आइए कैसे स्टार्ट करते हैं तो मैं जानता हूं कि ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है बोलिए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई डीटी अब मैं थोड़ा सा इसको बदल करके लिखता हूं ए इज इक्वल टू बेटा मैं इसको लिख दूं डी वी बाई डी एस और यहां पर डी एस अपऑन कितना डी टी मतलब मैंने डी एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से ये सोनो क्लियर हो गया ना तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिख सकता नीचे भी और ऊपर भी क्लियर हो गया ना ये चलिए तो ये देखो आप सब लोग जानते हुए डीएस अपॉन डीटी क्या होता है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता तो भैया ये वेलोसिटी होता है तो ए इज इक्वल टू इसको मैं आगे लिख लूं क्योंकि वेलोसिटी बन गया है और ये बन गया डी वी बाई डी एस अब मैं डीएस को यहां पर भेज देता हूं तो ये बन गया ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी ओके ए डी एस इक्वल टू कितना हो गया वी डी वी अब यहां पर वेरिएबल कौन है डिस्प्लेसमेंट यहां पर वेरिएबल कौन है वेलोसिटी क्लियर हुआ ना बच्चों यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी है आइए सॉल्व करते हैं तो यहां किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए एक्सेलरेशन ए डी एस हाँ डिस्प्लेसमेंट बोलिए स्टार्टिंग कितना है एक्स इनिशियल क्या बेटा एक्स इनिशियल और यहां पे क्या है एक्स फाइनल बोले ये इक्वल टू हाँ वेलोसिटी डी बोलिए इनिशियल क्या है यू फाइनल क्या है वी क्लियर हुआ चलिए सॉल्व करते हैं ए है बाहर आ जाएगा अंदर कौन बचेगा डीएस का एस और यहां लिमिट एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल यहां पर वी का इंटीग्रेशन वी डी वी एक्स डी एक्स का क्या होता था एक्स स्क्वायर बाई टू तो वी डी वी का क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू और लिमिट लगेगी कितनी यू से लेके वी क्लियर सो ए यहां पर मैंने लिखा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल वन बाई टू कॉन्स्टेंट आ गया बाहर और ये बन गया अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर कही यस और नो ये ए है ये क्या बन जाएगा एस क्या बन जाएगा एस क्योंकि चेंज चेंज इन इन इज डिस्प्लेसमेंट तो ये बन गया ए मल्टीप्लाई बाई एस ए मल्टीप्लाई बाई एस इक्वल टू वन अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सो टू का मल्टीप्लाई हो गया बेटा तो ये हो गया टू ए एस क्या बन गया टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्लियर हो गया यहां से टू चला गया टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब आप उसको मर्जी से लिख लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्चुअली बन चुका है टू ए एस सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो गया प्रूव तो ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड नोट करिए बच्चों ये सभी इक्वेशन आपने देखे मैंने तीनों जो लिखा है आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी तीनो इक्वेशन एक बार समराइज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये सो नो अब सब में देखिए बेटा क्या लगा है प्लस में ए है यहाँ पे ए पॉजिटिव है यहाँ पे ए पॉजिटिव है यहाँ पे भी ए पॉजिटिव है तीनों में ए क्या है पॉजिटिव है तीनों में ए क्या है मतलब ये एक्सलरेशन का केस है किसका केस है अगर आपको पता चल जाता है कि गाड़ी रिटायर्ड हो रही है तब आप यहां पे प्लस ए यूज नहीं करेंगे तब आप क्या यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे क्या करेंगे? यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ तब आप माइनस यूज करेंगे जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉडी तो ऊपर जाती है मगर ग्रेविटी कहां है डाउनवर्ड ग्रेविटी कहां है डाउनवर्ड बोलिए एसोनो तो उस समय बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी घटेगी जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉडी की बॉल की स्पीड क्या होगी घटेगी मतलब दैट टाइम क्या करेगा रिटार्डेशन क्या करेगा रिटार्डेशन तो अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो तो अंडर द ग्रेविटी है ना अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो <coughs> तो यहां पर जो एक्सेलरेशन काउंट होगा वो माइनस जी निकल करके आएगा बोलिए सोनो तो मोशन अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी के अंदर ये जो लॉस बन जाएंगे वो क्या बन जाएगा वी इक्वल टू यू माइनस जीटी एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्ट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्स टू जी एस बोलो समझ में आया तो ये लॉस बेटा हमारे निकल करके आएंगे एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत है बन जाएगा ना सो so ये हमारे इक्वेशंस अंडर द ग्रेविटी भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है ओके नेगेटिव निगेटिव के केस में भी डिफाइन कर दिया है आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अब लास्ट हमारा जो एक और फॉर्मूला बन गया था डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड क्या है डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एंथ सेकेंड हेडिंग बनाइए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एंथ सेकेंड एंथ सेकेंड कैसे अब समझो मैं कहूँगा तुमने चौथे सेकेंड में कितना चले तुम ये यात्रा कर रहे हो यात्रा आपने स्टार्ट करी बेटा यात्रा स्टार्ट होती है टी इक्वल टू जीरो से और ये है टी इक्वल टू वन तो जीरो से वन तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है बेटा एस वन क्या कहलाती है एस वन पहले सेकेंड में क्या कहलाती है पहले सेकेंड में क्लियर हुआ दिस इज कॉल्ड एस वन तो कोई आपसे कह ले पहले सेकेंड की निकालो यानी एस निकालो एस वन निकालो जब एक सेकंड ही चले हो तो पहले सेकंड में भी उतना चले हो और पहले सेकंड तक भी उतना चले हो बोले ये सोनो अब ध्यान से देखना आ आएगा कंसेप्ट बेटा यहां पर टी इक्वल टू टू है तो मैं बोलूंगा कि दो सेकंड में कितना चले तो कितना होगा एस टू क्या होगा दो सेकंड में कितना चले मतलब कितना एस टू मतलब पहले में भी और दूसरे में भी मिलाकर के दो सेकंड में कितना चले दिस इज कॉल्ड एस टू क्लियर हुआ अब मैंने कहा दूसरे सेकंड में कितना चले कौन से सेकंड में दूसरे जैसे मैंने कहा दूसरे ओवर में कौन सी बॉल फेंकी गई तो दूसरे ओवर में छह बॉल फेंकी गई थी हा है ना और दो ओवर तक में कितनी फेंकी गई बारह तो दूसरे सेकंड में कितना चले मतलब केवल ये आपसे बोला जा रहा है मतलब एस सेकेंड एस सेकेंड कैसे निकालोगे यहां तक की पूरी डिस्टेंस एस टू माइनस कितना एस वन मैं बोलूंगा तीसरे में कितना चले तो तीसरा बेटा कब शुरू हुआ दूसरा खत्म और तीसरा खत्म के बीच में कौन सा सेकंड है तीसरा बोलो ये सोनू जैसे मैच में चलता ना बोले कौन सा ओवर चल रहा है बोले छठवा ओवर पांच पॉइंट वन कौन सा ओवर है बताओ मैच में कौन सा ओवर है सिक्स ओवर है कौन सा ओवर है बॉल लिख करके आती है ना फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री पांचवें पांच ओवर हो चुका उसके बाद एक बॉल मतलब कौन सा चल रहा है सिक्स ओवर मतलब यहां पर दूसरा सेकेंड खत्म हो गया तो तीसरा क्या हो गया शुरू हो गया तीसरा क्या हो गया समझ में आ रहा है तो यहां पर बेटा अगर मैं बोलूंगा एस थर्ड एस थर्ड कैसे निकालोगे एस थ्री तक की टोटल और उसमें से कौन सी माइनस करोगे बस हो गया यही है तो मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट सेकंड में कितना चले मान लो ये एनवा सेकंड यहां पर खत्म हो रहा है तो एनवे सेकंड में कितना चले तो एस एनथ इक्वल टू बोलो कितना होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन आ गया समझ में बस यही कंसेप्ट लगाना है तो और आपका आंसर आ जाएगा आइए सॉल्व करते हैं एस एन माइनस एस एन माइनस One, है ना तो बच्चे एस एनथ इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा एन क्या है समय एन क्या है समय है ना एन क्या है सेकेंड एस क्या एन क्या है सेकेंड तो पहले जहां टी ले रहा था वहां एन ले रहा हूं तो क्या होता फॉर्मूला एस एस का यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर पक्की बात क्लियर हो गया ना एनवा सेकेंड माइनस ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा यू इंटू कितना एन माइनस वन यू टी टाइम की जगह कितना है एन वन तक तो यू इंटू एन माइनस वन होगा कि नहीं होगा प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर ओम ओम समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको आ रहा ना ठीक कॉन्फिडेंट हो चलो <laughs> बहुत बढ़िया चलो भैया अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको हल तो यू एन प्लस वन अपॉइन टू एन स्क्वायर माइनस बेटा इसको मैं ओपन कर देता हूं तो यू इन टू एन कितना हो गया यूएन और माइनस का कितना हो गया बेटा यू प्लस वन अपॉइन टू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर मैं ओपन करता हूं तो हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस कितना वन डब्बा बंद बोलो ये सोनो हो गया ना आइए इसको फोड़ फाड़ देते हैं अपन ओपन कर देते हैं यू एन प्लस के साथ माइनस होगा बोलो क्या हो जाएगा माइनस का यूएन और माइनस माइनस कितना बेटा प्लस का यू ये माइनस हो गया माइनस वन पॉइंट टू ए एन स्क्वायर हाँ ना ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस और टू से टू क्या हो गया कैंसिल अरे टू से टू कैंसिल नहीं होगा क्या और क्या बन जाएगा ए एन क्या बन जाएगा ए एन बनेगा ना और लास्ट में देखो वन अपॉन टू ए है और वन के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस हाफ ऑफ ए बोलिए ये ऑफ ठीक है yes no? क्लियर हो गया चलो उड़ा दो जो-जो कट रहे हैं बोलो इससे ये क्या हो गया कैंसिल वन अपॉन टू एन स्क्वायर से वन अपॉन टू ए ने क्या हो गया कैंसिल अब देखना भाई कितना होगा देखो अपने पास में बचा है यू प्लस यू प्लस है ना कितना बचा है अपने पास में देखो <coughs> एक तो ए एन बचा है है ना और कितना बचा है माइनस वन बाई टू ए बोलो यस सौ नो हां तो मैं यहां से u प्लस यदि मैं यहां से इसको हल कर दूं है ना यहां से मैं ए कॉमन ले लू क्या ले लूँ ए कॉमन ए कॉमन ले लिया तो कितना बच गया बोलो n माइनस वन बाई टू बचा कि नहीं बचा बचा कि नहीं बचा n माइनस वन बाई टू अरे ए कॉमन आ गया तो इसका ए आ गया और इसका ए आ गया तो n माइनस वन बाई टू बचा कि नहीं बचा अब निकल क्या रहा बेटा एस एंथ क्या निकल रहा है हा अब यहां से U प्लस ए बाई हाँ U A है बेटा एलसी ले ले, तो टू इन टू एन कितना हो गया टू एन माइनस वन अपॉन कितना टू क्लियर तो एस एंथ इक्वल टू यू प्लस ए के सामने इधर टू लिख लो ए अपॉन टू और ब्रैकेट में टू एन माइनस वन देखो क्या यही डेरिवेशन था है ना एस एंथ मतलब एनवे सेकेंड में चली गई डिस्टेंस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन क्लियर है तो एंथ सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन क्लियर की नॉट क्लियर अब इस पर एक छोटी सी बात मैं यहां पे कह देना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज को बॉडी को स्पेस से मतलब थोड़ी ऊंचाई से जाकर के फ्री फॉल करा रहे हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो है ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करने की इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो ड्रॉप करने के में होती है? अब देखते हैं, अगर ड्रॉप करने के बॉडी तो का फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में देखते हैं कितना तो एस एन इक्वल टू यू की वैल्यू बोलो कितना जीरो प्लस ए बाई टू की जगह कितना आएगा बोलो जी बाय टू कितना आएगा जी बाय टू प्लस ए बायू की जगह आएगा जी बाई टू और ब्रैकेट में कितना टू एन माइनस वन क्लियर हो गया तो मतलब उस समय एस एंथ इक्वल टू जी बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन क्लियर हो गया तो ये बनेगा आपका अगर फ्री फॉल बॉडी कर रही है तो एनवे सेकंड में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इतनी डिस्टेंस मूव करेगा अब आपको बोला जाए कि भाई साहब एक काम करो फर्स्ट सेकंड में निकाल लो कि फर्स्ट सेकंड में कितना मूव करेगा तो एस फर्स्ट इक्वल टू जी बाई टू टू वन या टू माइनस वन मतलब ऑनली आएगा जी बाई टू बोलो हाँ दूसरे सेकंड में कितना मूव करेगा इक्वल टू 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 या फोर माइनस वन थ्री जी बाई टू कितना हो गया थ्री जी बाई टू अगले तीसरे सेकंड में कितना मूव करेगा एस थर्ड इक्वल टू जा जी टू थ्री या ये हो गया. क्लियर है ना तो ये थोड़ी सी मैंने एक, एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है इस पर एक बार जेई में और आईआईटी आई जेई में एनयूटे में क्वेश्चन आया था कि बताइए पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसका रेशियो क्या होता है उसका रेशियो क्या होता है तो डिवाइड कर दो बेटा तो जीवाई टू जी वाई टू से जीवाई टू क्या हो जाएगा कैंसिल आंसर आएगा वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव मतलब जो डिस्टेंस मूव होती है उसका जो रेशियो होता क्या होता है वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव मतलब पहले सेकेंड में अगर एक मीटर है तो अगले सेकेंड में तीन मीटर और अगले सेकेंड में पचास मीटर समझ रहे हो सॉरी पांच मीटर एक मीटर फिर तीन मीटर फिर पांच मीटर मेरी बात समझ में आई क्लियर है तो हो चुके हैं हमारे पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे ठीक है ना यहां पर पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन वन टू थ्री एंड फोर मैंने करा दिए हैं एंड गारंटी है आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक हंड्रेड परसेंट करने को आएगा फाइव मार्क्स का आपके जो टर्म वन है उसमें तो लिख के ले लीजिए मेरे से हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आपके रखा हुआ है पेपर छप चुका है और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डेवलप करने को आएगी सेकेंड या थर्ड में से आएगी क्योंकि फर्स्ट बिचारी बिल्कुल छोटी सी है सरल सी है तो सेकेंड या थर्ड में से कोई डेवलप करने को आएगा हो सकता है दोनों आ जाए फाइव मार्क्स में चलिए डन नोट कर लीजिए इसको चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं शीट पे आइए शीट पे एक लर्निंग फैक्ट लिखा हुआ है अब फैक्ट है तो भाई याद कर लो इसकी प्रूफ की बात हम नहीं करेंगे है ना कभी मिलेगा अगर जेई वगैरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय मैं उसको प्रूफ करा दूंगा देखो क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जरूर ये फैक्ट क्या लिखा हुआ है जो मैंने इक्वेशन पढ़ाया है एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन ये एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन उसके जस्ट नीचे एक फैक्ट लिखा हुआ है लेट इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेरेशन एंड वेलॉसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी इन द इंटरवल टी देन हाँ यू टू वी इन अ टाइम इंटरवल देन द वेलॉसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ हाँ भाई साहब कह रहा है कि अगर कोई वेलासिटी है बॉडी की यू से लेकर वी में जा रही है और एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूज हो रहा है ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है ए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा समय लगा है तो यहाँ पर जो वेलॉसिटी होगी बिल्कुल मिड पे समझ गए बिल्कुल मिड पॉइंट पे मतलब समय समय जितना मान लो एक घंटा लगा है तो एक घंटा मतलब आधे घंटे पर जो वेलोसिटी होगी बेटा उसका फॉर्मूला लिख लो अंडर अपॉन कितना टू ठीक है ना सो so एक लर्निंग फैक्ट है इसको लिख लो अंडर उपॉइट टू अगला मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी आपको बता दिया बता दिया कि नहीं बताया हाँ यार बता तो दिया ना वही जी लगा दो जी प्लस जी लगा दो एक ही जगह माइनस जी लगा दो है ना प्लस जी नहीं माइनस जी ठीक है ना अगर ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो रिटार्डेशन होगा तो माइनस जी लगेगा और अगर नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन होगा तो क्या लगेगा प्लस जी लगेगा चलो अब देखते हैं हाँ। चलिए तो पहला केस देखते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट आइए देखते हैं ये आपके पास में बॉल है ये आपके पास में क्या है बॉल है आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है ऊपर की तरफ आपने इसको थ्रो कर दिया है आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगेगा तो आपको बताना है इसका टाइम कितना है ठीक है ना मैक्सिमम टाइम में जाने में कितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है क्लियर दोनों बातें बताऊंगा ऊपर जाने में कितना समय लगेगा उसके बाद नीचे आने में कितना समय लगेगा क्लियर हुआ दोनों बातें अच्छे से क्लियर करते हैं आइए देखते हैं बच्चों बेटा आप जानते हो कि इस पॉइंट पर ऊपर भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको बोलो यस यू क्या है ये टॉप पॉइंट पर बॉडी पहुंचती है जैसे ही तो टॉप पॉइंट पर फिर जब पहुंच जाती है टॉप पर तो वापस आना शुरू होती है फिर यस वनो बोलो ना होता टॉप तो फिर टॉप कैसे होता वो भाई टॉप पॉइंट पर जाएगी बॉल उसके बाद फिर वापस आना शुरू होती है ना मतलब एट टॉप पॉइंट पर बॉडी एक मोमेंट के लिए रुकती है रुकती है नहीं, रुकती है है कि नहीं जैसे आपने फेंका होगा तो एट टॉप पॉइंट पर बॉडी जाकर के एक मोमेंट के लिए रुकती है मतलब पॉइंट पर बॉडी की कितनी होती होती है है पक्की बात होती है ना बेटा हाँ अब देखिए मैं लगाता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हो वी इक्वल टू यू प्लस एटी हा है ना वी इक्वल टू यू प्लस एटी अब देखो कैसे कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी वी वेलॉसिटी कहाँ है अपवर्ड वेलॉसिटी कहाँ है अपवर्ड तो वेलॉसिटी फाइनल v वी जीरो जीरो हो गई यस और नो हाँ ये देखो बेटा u u कहाँ जा रही है अपवर्ड कहाँ जा रही है याद एक नियम बना लो जितनी भी अपवर्ड क्वांटिटी है प्लस में और जितनी डाउनवर्ड क्वांटिटी है माइनस में जो ऊपर की तरफ वेक्टर जाएगा वो सबके सब प्लस और जो नीचे की तरफ जाएगा वो क्या माइनस ये हो गया भैया u प्लस में है अब ये बताओ इस बॉडी पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां काम करता है नीचे तो जब जी नीचे काम करेगा तो क्या यूज होगा प्लस जी की माइनस जी माइनस जी बिल्कुल सही तो ए की जगह माइनस जी इन टाइम टी निकल करके आएगा इसको इधर कर दो माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी माइनस से माइनस कैंसिल तो बेटा टाइम जो निकल करके आ गया कितना यू अपॉन जी ये है ऊपर जाने का टाइम तो देख लीजिए अपनी कॉपी में टू यू अपॉन जी है ना कितना हो गया यू अपॉन जी एनी प्रॉब्लम अब ऊपर जितने में जाएगा वापस भी उतने में ही आएगा जितना समय जाने में लेगी उतना समय वापस आने में भी लेगी तो नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तो अगर मैं कहूं टोटल टाइम टोटल टाइम इक्वल टू ऊपर जाने का समय कितना यू बाई जी और नीचे आने का समय भी कितना यू बाई जी बोलो आंसर कितना u g समझ गए तो ये टोटल टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट फेंकने के बाद ऊपर गई और वापस आई इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल t बोलो या सुनो क्लियर हुआ टाइम दो प्रकार के होते हैं जब आप नीचे से फेंकते हो एक ऊपर उठती है बॉडी उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड क्या बोलते हैं और जब नीचे आती है इसको टाइम ऑफ डिसेंड तो दो प्रकार के टाइम होते हैं एसेंड का टाइम भी यू अपॉन जी और नीचे यू अपॉन जी आंसर टू यू बाई जी बोलो क्लियर है तो शीट में देख लीजिए यू जी टाइम लिखा हुआ है आधा टाइम जाने का आधा टाइम आने का टोटल टाइम हो गया टू यू बाई जी मिल गया बेटा मिल गया हां टी एसेंड इक्वल टू यू बाई जी देख लो टी ए ए फॉर एसेंड दिखा <laughs> नोट का पहला पॉइंट है भैया अरे अभी तो आ रहे हैं उसके आगे पहले तो पहला वाला देख लो यू आई जी है ना उसी के बाजू में इक्वल टू यू देख देखा अब आ जाओ भाई दूसरा देखते हैं बेटा मान लो कि इसकी हाइट एच है किसकी हाइट कितनी है एच।, एच है अब आपको निकालना है टाइम कितना है एच हाइट तक जाने में एच हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा है आइए देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पक्की बात एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास हुआ करता है और इस फॉर्मूले का यूज करके हमें निकालना है कि टाइम कितना होगा अगर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस तो चलो ठीक है ठीक आइए देखते हैं क्या किया गया है आप यहां पर हैं हाइट पर बोलिए यसोनो कितनी हाइट पर है एच हाइट पर है किस हाइट पर है एच हाइट पर है और आपने यहां से एक बॉल छोड़ दी आपने यहां से एक बॉल छोड़ दी बोलो और बॉल नीचे आकर के गिरेगी गिरेगी आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा क्यों क्योंकि जितना नीचे से ऊपर जाने का टाइम है उतना ऊपर से नीचे आने का टाइम है याद है कि नहीं याद है चलो कितना टाइम लगेगा निकालते हैं बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चलिए एस मतलब हाइट एस मतलब हाइट बताइए मतलब हाइट जो बॉडी चल रही है बॉडी चल रही है मूव करेगी बोलो नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे अरे गेंद गिर रही है ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे।, नीचे मैंने क्या बताया था नीचे वाली सारी चीजों को क्या लेना है नेगेटिव क्या लेना है और यही रूल रखना नहीं तो क्वेश्चन गलत होंगे आधे सही होंगे आधे गलत होंगे और एक ही रूल रखोगे तो कोई गलत नहीं होगा आपने कह दिया नीचे वाले सारे नेगेटिव तो सारे नीचे वाले नेगेटिव और ऊपर वाले सारे क्या होंगे पॉजिटिव इसका उल्टा भी कर सकते हो फिर आपकी मर्जी है कि नीचे वाले सारे पॉजिटिव ले रहे हो तो ऊपर वाले सारे क्या लोगे निगेटिव उल्टा तो बताओ क्या खुश हो नीचे वाले नेगेटिव ले लें कि पॉजिटिव ले लें चलो भाई नीचे वाला नेगेटिव ले लेते हैं तो बोलो कितना हो गया माइनस का एच माइनस का एच जब किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो भैया उसकी वेलोसिटी क्या होती है जीरो क्या होती है जीरो तो जीरो इंटू टू कितना हो गया बेटा जीरो प्लस वन अपॉन टू बेटा एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है नीचे काम करता है कि ऊपर काम करता है बहुत शानदार भाई मेरे ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन नीचे जो होता है छोड़ते समय बॉडी पर ऊपर काम करता तो बॉडी ऊपर ना भक्ति की मतलब टावर से छोड़ते वो उल्टा चली जाती ऊपर हवा में बॉडी कहां आती है तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हुआ कि अपवर्ड हुआ तो बेटा माइनस जी लिखूं कि प्लस जी लिखूं नीचे लग रहा मतलब माइनस जी बोलो हाँ माइनस जी इन टू टी का क्या स्क्वायर तो माइनस एच इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर बेटा माइनस से माइनस ये टू एच को इधर लेकर के आओ तो टू एच इक्वल टू हो गया बच्चे जी टी यस तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया टू एच अपॉन जी तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी मिल गया ये हाइट के टर्म में है किसके टर्म में है हाइट आपको बतानी पड़ेगी हाइट कितनी तो जब हाइट के टर्म में हो तो ये निकालोगे जब इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में हो तो ये निकालोगे बोलो क्लियर हुआ दोनों अलग अलग है मिल गया आंसर ये हाइट के टर्म में है और ये वेलोसिटी के टर्म में है ये नीचे से ऊपर फेंकने के टर्म में है ये ऊपर से नीचे छोड़े जाने के टर्म में है क्लियर एनी प्रॉब्लम चलो नोट कर लो फिर भाई साहब ये हो गया चलिए अगला डिस्कशन करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट इन वन डायमेंशन मोशन आप किसी बॉडी को नीचे से लेकर के फेंकते हो बड़ी जोर से यूं फेंका आपने ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगी ये आपको बताना है ठीक है ना हेडिंग डालिए कॉपी में एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ये जितना मैं पढ़ाता हूँ सबकी छोटी छोटी हेडिंग डाल लिया करो घर में इनको जाके मस्त प्रेम पूर्वक तरीके से लिख लिया करो रिविजन भी हो जाएगा खतरनाक वाला अब तो तुम लोग आदत में ढलने लग गए समझ में आ गया तुम लोग को कि लिखना लिखना बिल्कुल नहीं है बस सुनते जाओ थोड़ा बहुत पॉइंट डिक्टेट करो घर में जाके बढ़िया नोट्स बनाओ तो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं बच्चों कैसे निकलेगी एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ये देखिए आपने किसी बॉडी को जोरदार तरीके से फेंका फेंकते समय वेलोसिटी कितनी है यू बॉडी टॉप पोजीशन पर चली गई और टॉप पोजीशन पर जाकर के बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो आपको बताना है कि ये हाइट कितनी होगी इस हाइट को बताना है आपको ये हाइट कितनी होगी चलिए हाइट कहां जाएगी बॉडी नीचे से ऊपर कहां जाएगी नीचे से ऊपर तो ऊपर की तरफ की सारी क्वांटिटी क्या होती है बोलो पॉजिटिव और नीचे की तरफ की सारी क्वांटिटी नेगेटिव बेटा फार्मूला ले आओ फार्मूला टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यू स्क्स टू ए एस बोलो एंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी जीरो यू स्क्वायर तो यू तो पॉजिटिव है और नेगेटिव भी होता तो तेल लेने जाओ नेगेटिव का स्क्वायर क्या आ जाता पॉजिटिव तो खैर तो अभी तो पॉजिटिव है तो यू स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर क्योंकि यू से आपने थ्रो किया है कितने से थ्रो किया है यू से प्लस Two, हाँ अब बॉडी नीचे से ऊपर तो फेंक रहा नीचे, नीचे, तो तो नीचे, तो है एच के इक्वल किसके इक्वल है एच के तो यहाँ पर क्या रख दिया मैंने एच क्या रख मैंने एच चलो इसको यहां ले आओ तो ये हो गया माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी इन कितना एच माइनस से माइनस पक्का माइनस से माइनस कैंसिल तो आंसर एच इक्वल टू यू स्क्र अपॉन टू जी मैक्सिम हाइट आ गई नोट कर लो एच इक्वल टू यू स्क्तर अपॉन टू जी ठीक है, H 2 हाँ बेटा, है इस वाले से क्यों नहीं निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो आप मगर बेटा ये केस कौन सा था ये ऊपर से नीचे का था ना ये ऊपर से नीचे का था ये नीचे से ऊपर का है ना थ्रो तो नीचे से ऊपर करोगे तब ना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बोलो यस और नो मगर ये केस ही अलग है बेटा ये तो ड्रॉप करने का केस है ये थ्रो करने का केस है हाँ या ना आ गई बात समझ में कोई प्रॉब्लम चलिए <coughs> बेटा आप इसको एक और केस से निकाल सकते हो याद आ गई मुझे एनर्जी कंजर्वेशन किस केस से निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन जिस समय आप इसको जमीन से फेंके हो जमीन से फेंकते समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपने बड़ी जोर से फेंका ऊपर जाते 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 बॉडी स्लो होती गई बोलो या सोनो मगर ऊपर पोजीशन आती गई तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जाके किस में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती काइनेटिक एनर्जी बोलो हां अब भूल गए तो मैं क्या करूं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर तो इस पॉइंट पर तुमने इसको यू वेलोसिटी से दागा है। दागा है कि नहीं दागा तो यू वेलोसिटी से इसको जब फेंका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू पक्का अब काइनेटिक एनर्जी खर्च होती गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई इस पॉइंट पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी कितनी है जीरो मगर किसी की हाइट के कारण जैसे पानी हाइट ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी की हाइट के कारण जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं तो हाइट कितनी इसकी एच तो एच पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी एम जी एच एम जी एच मतलब वन आट टू एम स्क्वायर खर्च होती गई और पूरी खर्च होकर के काय में बदल गई ऊपर जाकर के एम जी एच में बोलो ये सोनो चलो दोनों बराबर हैं एम से एम क्या हो गया पक्का एम से एम क्या हो गया कैंसिल एच को रोक लो एच रोक लिया जी नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन कितना टू इन टू जी ये विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया हाइट की वैल्यू इसमें क्या लगा एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हो ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म हाँ वो वो केमिस्ट्री की बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात है एटम भी कंजर्व होता है मास कंजर्वेशन लॉज ऑफ मास ऑफ मास कंजर्वेशन हाँ एटम में पढ़ा होगा आप लोगों ने अलेवेंथ क्लास में कि मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड हाँ ठीक है, है ना केमिस्ट्री में है ही बात हा हाँ, चलो क्लियर हो गया ये सो एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी ये हाइट निकाल ली तो एक बात यहां पे समझ में आ रही है कि हाइट इज प्रपोर्शनल टू यू स्क्वायर मतलब हाइट केवल डिपेंड करती है किस पर बॉडी की वेलोसिटी पर जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो हाँ है ना उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है तो चाहे सुई को फेंको और चाहे हाथी को फेंको अगर दोनों को आपने दम सेम लगाइए क्या लगाइए इनिशियल वेलोसिटी सेम दी है तो दोनों सेम हाइट तक जाएंगे चाहे सुई जाए चाहे हाथी जाए बोलो क्लियर हो गया yes. मतलब हाइट जो होती है वो मास पर डिपेंड कर रही क्या नहीं कर रही है हाइट मास पर डिपेंड yes. नहीं करती है क्लियर हो गया बात चलिए तो उसको नोट कर लीजिए ओके okay, बच्चों अब आगे देखते हैं एक और लर्निंग फैक्ट है यहां पर एक और लर्निंग फैक्ट में आपको बता देता हूं वो क्या है देखिए छोटा सा लर्निंग फैक्ट है इसको भी देख लेते हैं रफ कर दूं ये yes. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बहुत बढ़िया अब एक छोटा सा और लर्निंग पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं वो क्या है लर्निंग पॉइंट इफ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच एंड रीचेस आफ्टर टी सेकेंड अर्थ फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू बॉल आर ड्रॉन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी यू ठीक है ना विद द सेम वेलोसिटी यू एंड दे रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर टी वन एंड टी टू सेकेंड देन टी इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू का अंडर रूट देखो भाई साहब आपने किसी बॉल को किसी हाइट से जमीन पर जान दिया बोलो yes no? ये सो नो ये हाइट एच है और आपने बॉल को जमीन पर छोड़ दिया यहां से जीरो वेलोसिटी से तो बॉडी ने कितना टाइम लिया टी कितना टाइम लिया टी पहली बात अब दूसरा आपने क्या किया कि यहीं पर खड़े होकर के एक बॉल को आपने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो एक ऐसी जाएगी बोलो हां और इसका टाइम कितना लगेगा टी वन कितना लगेगा टी वन और दूसरा एक बॉल को खड़े होकर के वेलोसिटी ऐसे जोर से फेंका इस वाले में क्या किया था ड्रॉप किया था क्या किया था ड्रॉप किया था तो इसमें आपने जोर से फेंका है नीचे की तरफ विद द सेम वेलोसिटी यू तो इस वाले को जल्दी गिर जाएगी इसका टाइम कितना लगेगा टी टू तो आपको जो एक्सप्रेशन याद करना है वो याद करना है कि जो टी होगा इन दोनों का टी वन इन कितना होगा समझ गए क्लियर हो गया तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूं कि मान लो आपने बॉल को ऐसे फेंका आपने बॉल को ऐसे फेंका ठीक ना इस वाले में आपका लगा नौ सेकेंड इस वाले में कितना लगा नौ सेकेंड और ऐसे जोर से फेंकने पर एक ऊपर फेंका ऐसे खड़े होकर छत से ऊपर फेंका तो नौ सेकेंड लगा एक वहीं से खड़े होकर नीचे फेंका जोर से तो कितना लगा चार सेकेंड कितना लगा चार सेकेंड सवाल आएगा कि अगर छत पे खड़े होकर आपने जस्ट ड्रॉप कर दिया ऐसे तो बताओ कितना समय लगेगा बस आंसर T इज इक्वल टू अंडर रू टी वन इन टू कितना टी टू भाई साहब टी वन कितना है नौ सेकेंड और टी टू कितना है चार सेकेंड तो नौ गुड़े चार कितना हो गया छत्तीस बोलो आंसर कितने सेकेंड सिक्स सेकेंड समझ में आया ना तो इसको नोट कर लो बना के ऐसा कुछ है ना मेमोरी में रहेगा <coughs> ठीक है ना टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन टू टी टू टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन इंटू टी टू डन चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अगला लास्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखिए शीट में है कि अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली और आप किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर दें तो जमीन में आने में दोनों को सेम टाइम लगेगा जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको भी लगेगा मतलब अगर ये पेन है अगर मैं इस पेन को ऐसे छोड़ दूं धक्का दे के सामने और एक पेन को मैं ऐसे गिरा दूं तो जितना टाइम इस वाले को लगेगा उतना ही टाइम इस वाले को भी लगेगा तो लिखा हुआ है देखिए वेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉर्जोनटली दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड हॉर्जोटली फर्स्ट बॉडी को आपने फ्रीली ड्रॉप कर दिया है और सेकेंड बॉडी को क्या कर दिया है प्रोजेक्टेड हॉर्जोनटली देन देन दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम देन दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम नॉर्मली मैं आपसे पूछू था कि बताओ किसको ज्यादा टाइम लगता तो आप बोलते कि सर ये इसको ज्यादा टाइम लगता क्योंकि इसका पाथ लंबा दिख रहा है बोलो हाँ है ना बट बच्चों ऐसा नहीं होता है मैं आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका भी वही टाइम लगता है जित जितना इसका टाइम लगता है ठीक है ना सेम दोनों का टाइम लगता है दोनों का सेम टाइम लगेगा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ एनी प्रॉब्लम चलिए तो यहाँ पर आपका जो मोशन चैप्टर है थ्योरिटिकली पार्ट वन इसका यहाँ पर फिनिश हो जाता है अब क्या आएगा बेटा आयुष बोलो अब इसके आगे क्या प्रैक्टिस क्या होगा इसका प्रैक्टिस पार्ट सारा हो गया इसका सारी चीजें हो गई अब बची है इसकी प्रैक्टिस ठीक ना तो प्रैक्टिस करना करना अपन स्टार्ट करते हैं ब्लैक शीट ओपन होगी और ब्लैक शीट से सारे के सारे पी के क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं मतलब जो आ चुके हैं एग्जाम में उनको करेंगे थैंक यू सो मच